हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख सकते हो आज मैं पूरी तरीके से अच्छे से रेडी हो गई हूँ और खाना ही सिर्फ बाकी है। सारा काम मैंने आज जल्दी से निपटा दिया और अभी सिर्फ बजी है, शायद आपको नहीं दिखेगी, अभी सिर्फ बजी है 11:20। तो मेरा काम सारा आज बहुत जल्दी हो गया, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा आज मैं शन सलोन जल्दी जा पाऊँगी। और अभी चिकू को बुला रही हूँ खाना खाने के लिए, तो खाना खा के फिर चलेंगे शॉप पर। और आज मैंने व्लॉग भी काफ़ी लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने सोचा आज सुबह सुबह का काम जल्दी निपटा देती हूँ और फिर शॉप पे जाके तो मैं आपको सब बताने ही वाली हूँ, इसलिए तो चलिए मैं जल्दी से अब खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, मेरी स्किन में आपको कोई फ़र्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैंने बताया था ना, कुछ टाइम से मैं नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ मिशेल की, तो नाइट क्रीम इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं यानी इतने दिन ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी मिशेल के, मुझे अच्छा रिजल्ट लगा। मेरे यहाँ पर देखोगे ना तो लिटरली काले काले धब्बे थे, धब्बे पिंपल्स के। अभी तो हालांकि ये दो पिंपल आए पर वो तो निकल जाएंगे, दाग नहीं रहेगा इसका, और ये दाग रह गए तो इसका भी निकल जाएगा। पर नाइट क्रीम जब से मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी स्किन इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत सच में एक नंबर रिज़ल्ट है मिशेल का। क्योंकि मैं ना एकदम हर किसी ब्रांड पे एकदम जल्दी से ट्रस्ट नहीं करती हूँ और हर कुछ में मेरे फेस के साथ एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती हूँ, तो उसके लिए तो मुझे मिशेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप खुद रिज़ल्ट देख सकते हो, मेरी पहले की वीडियोज़ देखना और अभी की देखना, रात दिन का फ़र्क है। अभी चिकू को कॉल करती हूँ, चिकू आ जाएंगे खाना खाने के लिए और फिर हम चलेंगे शॉप पर। अभी जा रही हूँ ये शॉप पर और मम्मी पापा भी नहीं हैं तो मैं गेट वगैरह सब कंप्लीट लॉक करके जा रही हूँ। मिट्टू को और खरगोश को तो मम्मी ने खाना दे दिया है। लो कैमरा पकड़ना। ब्राउन लॉक दे दो कैमरा। चलो हमारी स्कोविया पे चलो, सकोविया भी। इसको भी बंद कर देते हैं, नहीं हमको ठंड लग रही है। गर्मी में कैसे ठंड लग रही है। ये आ गई हूँ सलून पर, देखते हैं ज्योति अंदर क्या कर रही है। ये वाला नाइट सूट मैं ज्योति को दे रही हूँ फिटिंग करने के लिए, क्योंकि ज्योति को स्टिचिंग का काम आता है, इसलिए मुझे भी आता है पर मुझे टाइम नहीं मिलता है इसलिए मैं कर नहीं पाती, तो ज्योति मेरी हेल्प कर देगी। यानी ये ले आएगी, स्टिच करके ले आएगी ना, ठीक है? तो मेरे को रिटर्न करने का नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए, तो चलो चलेगा। अभी देखो हमसे कौन मिलने आया है, हमारा विक्कू, यश और एज ऑलवेज चिकू। तो अभी हम बातें करेंगे और फिर आप लोगों से मिलेंगे। ये सारे पार्सल जा रहे हैं अलग अलग जगह पर और ले जा रहा है विक्कू, ठीक है पहुंचा देना है। अभी मैं कुछ दिनों से मेरे बालों के लिए कुछ अच्छा ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अभी तक तो इफ़ेक्टिव नहीं लगा है, क्योंकि मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिन हो गए, बहुत ज़्यादा पतले हो गए, इतने पतले नहीं थे जितने हो गए हैं और थोड़े से अभी डैमेज भी हो गए क्योंकि मैंने कलर वगैरह सब किया है। डैमेज तो उस तरीके से डैमेज नहीं हुए, यानी ब्रेकेज वगैरह, पर क्या पता मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, यानी मेरी पूरी बॉडी पर ड्राइनेस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मेरी स्किन में भी, जैसे कि फेस पर भी ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, नोज़ के आसपास डेड स्किन बहुत ज़्यादा जमती है और मेरे स्काल्प है वह भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो मेरे 3 दिन हो गए अगर मैंने हेयर वॉश नहीं किया तो मुझे डैंड्रफ आ ही जाएगी, तो इसका कोई मैं परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ। अभी तक तो एक भी प्रोडक्ट नहीं ऐसा मिला है। मेरी शॉप पर अभी एक नया प्रोडक्ट आया है जिसका नाम है गुड हेयर, तो मैं इसका ट्राई करने का सोच रही हूँ। इसका मैं आपको एक प्रॉपर रिव्यू दूंगी कुछ दिन तक, मैं यानी आज मैं परचेज कर रही हूँ, कुछ दिन बाद मैं आपको इसका रिव्यू बताऊँगी कि ये प्रोडक्ट मेरे हेयर के लिए कैसा रहा और मुझे पर्सनली कितना पसंद आया। अगर ये प्रोडक्ट अच्छा रहता है तो आप भी इसको बाय कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। मैं अभी ये वाला प्रोडक्ट बाय कर रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम जो है उसका परफेक्ट ये पूरा सॉल्यूशन है, इसलिए इसके अंदर शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल तीनों चीज़ें हैं
तो चलिए इसको बाय करते हैं। अभी चलो कर देते हैं पे और इसको पूरा कंप्लीट यूज़ करके मैं आपको बताऊंगी। अब इसकी कर रही हूँ मैं अनबॉक्सिंग, इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट निकलता है वो मैं आपको बताती हूँ। बाहर से पैकिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये है शैम्पू और ये है कंडीशनर और ये है ऑयल। इसका जो ऑयल है वो है 28 हर्ब्स का और ये मैं यानी 15 डेज तक तो कंप्लीट प्रॉपरली यानी यूज़ करने वाली हूँ और फिर मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगी और मेरे बालों में जो भी यानी फ़र्क है ऑब्वियस दिखेगा ही मैं तो पता चलेगा। अगर नए नए हेयर्स आ रहे हैं या फिर मेरा डैंड्रफ रिमूव हो रहा है तो मैं आपको इसका रियल एकदम रिव्यू दूंगी। प्रोडक्ट तो दिखने में वगैरह काफ़ी अच्छा है, आई होप काम भी इतना अच्छा करे और आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प करे ये। तो चलिए आज से स्टार्ट करेंगे यूज़ करना। अभी मैं ज्योति से करवाऊँगी ऑयलिंग और कल मैं करूँगी हेयर वॉश। ये है ऑयल और इसको मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ। क्या फ़र्क दिखता है देखेंगे, भगवान करे मेरे बाल अच्छे ही होते हैं इससे। टेक 5 to 10 ml ऑयल और मसाज योर स्कैल्प एट ओवर नाइट बिफोर टेकिंग अ बाथ फॉर बेस्ट रिजल्ट। यूज़ गुड हेयर ऑयल डेली विथ गुड हेयर शैम्पू, कीप इट इन कूल एंड ड्राई प्लेस। ओके, इसको रोज़ तो यूज़ मैं नहीं कर सकती, यानी जेंट्स कर सकते हैं रेगुलर यूज़ रेगुलर शैम्पू के साथ, पर मैं इसको हफ्ते में 2 बार तो यूज़ करने ही वाली हूँ मिनिमम, और मैक्सिमम 3 times हो सकता है, बस यही है। और अभी मुझे मेरे ये स्ट्रेट हेयर्स को बाय बाय करना पड़ेगा क्योंकि जो मैंने कल वीडियो के लिए किए थे हालांकि थोड़े से अनइवन हो गए, ज़्यादा स्ट्रेट नहीं बचे। चलो ज्योति ऑयलिंग कर दो। एसी भी ऑन कर देते हैं, एक बार बालों में से अच्छे से गुच्छे निकाल दूंगा। स्मेल भी काफ़ी अच्छी है। हेयर में ऑयल हो गया है और अभी आ गए थे कस्टमर तो उनको कर दिया है फ्री अपन ने, और अब जाना है घर पे क्योंकि टाइम हो गया है। मेरी वॉच है वो तो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया, आज करना ही भूल गई। अभी 7 बज रही हैं, अपन को जाना है घर पे। चिकू को कॉल लगाते, चिकू वहाँ पर फ्री हुए तो अपन को लेने आएंगे। तो चलिए अभी आ गई हूँ घर पर और थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करूँगी थोड़ा सा, फिर खाना वगैरह बनाना है मुझे। चिकू क्या बोलते हैं और मम्मी पापा भी बाहर गए हुए हैं, अगर आ रहे होंगे अभी तो खाना बनाना है तो पूछ लेंगे आ रहे क्या। घर पे आ गई थी, चिकू की डाइट में था आज मिल्क ओट्स और मैंने भी सोचा था मिल्क ओट्स ही खा लूँगी और मैंने खा भी लिया है मिल्क ओट्स, पर मम्मी पापा को फ़ोन किया तो मम्मी बोल रहे हैं कि नहीं हम खाना खा के नहीं आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाने में क्या बोलते हैं इसको, गवार फली की सब्जी। उसके लिए मैंने मसाला बना दिया है गवार फली की सब्जी के लिए, ये यहाँ पर आटा गूंथ कर रख दिया है। और यहाँ पर पड़े हैं बहुत सारे बर्तन क्योंकि दोपहर में आए थे गेस्ट तो बहुत सारे बर्तन हो गए, तो इनको फटाफट से क्लीन कर देती हूँ जब तक मसाला पक रहा है और आटा जब तक सेट हो रहा है तब तक ये मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे तो हमारे काम चालू ही रहेंगे। ये हो गई सब्ज़ी और सब्ज़ी को अब मैं पैक कर दूँगी, यानी कुकर को बंद कर दूँगी तो विसल इसकी एक दो आ जाएंगी, तब तक हम इसको पकने देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं हो गई हूँ फ्री और अब हो गया है मेरे सोने का टाइम। और मैंने आज ही साथ मेरे हेयर में ऑयल भी लगाया था और इस ऑयल की खुशबू एकदम यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ऐसी खुशबू एकदम आयुर्वेदिक। और बहुत सारे इसमें हर्ब्स हैं, 7 या फिर 8 ऐसे कुछ एसेंशियल ऑयल हैं
अच्छा है चलो, अब इसका कल जब वॉश करूँगी तब थोड़ा बहुत तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, यानी मेरी डैंड्रफ वगैरह जो भी है वो रिमूव होगी, तो कल मैं आपको बताऊँगी। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, अभी बज रही हैं 11:30 और अब सो जाना है मुझे, क्योंकि मुझे भी आ गई है नींद। तो चलिए बाय, इसके साथ कर रही हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। बाय।